हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू अचीव दिस लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैंने अपनी स्किन को वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज कर लिया है। नाउ हियर आई एम अप्लाइंग एल्फ पोरलेस प्राइमर, दिस इज़ इन द शेड यूनिवर्सल। तो इसको मैं अपने टी जोन पे अच्छे से लगा लूँगी। इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत ही ईजिली ग्लाइड होता है। नाउ आई एम यूजिंग मामाअर्थ सीरम फाउंडेशन इन द शेड 05 बेज ग्लो, और इसको फर्स्ट अपने फिंगर्स की मदद से मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और फिंगर से ही स्प्रेड करूँगी। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स दैट मेरेडिथ डज इन हर वीडियोस। तो फर्स्ट अपने फिंगर्स से लेके मैं अच्छे से फाउंडेशन को स्प्रेड करूँगी, इससे ना कवरेज नहीं जाएगा। और अभी इस पफ को लेके, वेलोर पफ को लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो ये पफ ना फाउंडेशन को खाएगा नहीं। एंड नाउ आई एम यूजिंग निक्स सीरम कंसीलर इन द शेड बेज। तो या सीरम फाउंडेशन, सीरम कंसीलर एंड दोनों ही शेड बेज में है। अभी इट वॉज गेटिंग डिफ़िकल्ट, मेरा हेयर मेरे फ्रंट में है इसलिए, तो अभी मैंने हेयर बैंड को लगा लिया है। एंड यूजिंग सेम वेलोर पफ आई एम ब्लेंडिंग माई कंसीलर। गाइज दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टूल, सो गेट दिस, दिस इज़ फ्रॉम अमेजॉन। तो अभी मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ब्लश, तो मैंने इसको भी रिव्यू किया है मेरे चैनल पे, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इधर मैं स्पाइसी पिंक शेड को लेके लगा रही हूँ अपने फेस पे। तो मैं चीक्स पे, थोड़ा सा नोज़ पे एंड चिन पे लगा के ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्लश को। तो ये ब्लश ना बहुत ही नेचुरल शेड है, तो इसलिए मैं इस ब्लश को यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं फिर से एक पाउडर ब्लश लगाऊंगी सो दैट माई ब्लश स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग द सेम वेलो पफ। अभी मैं इनसाइट का हाइलाइटर ले रही हूँ इन द शेड 02, और इसको मैं अपने फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट हाइलाइटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसको मैंने अमेजोन में मंगाया था, आई थिंक 80 रुपीज़ का कुछ पड़ा था मुझे। एंड आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर। इसके ऊपर भी मैं एक पाउडर हाइलाइटर लगाऊंगी ताकि ना मेरा बेस मेकअप बहुत ही लॉन्ग आवर्स तक चले, इसलिए मैं क्रीम ब्लश और क्रीम हाइलाइटर को लगा रही हूँ फर्स्ट। एंड अभी मैं अपनी शार्लेट टिलबरी पाउडर को लेके वेलोर पफ से पाउडर को पिक करके सिर्फ अपने अंडर आइज और टी जोन को सेट करूँगी। ज़्यादा पूरा फेस पे नहीं लगाऊंगी पाउडर, ताकि जो हाइलाइटर मैंने लगाया है वो वेस्ट ना जाए। अभी जैसे मैंने कहा था, मैं इधर पाउडर ब्लश को ले रही हूँ, मैं कोरल शेड वाली ब्लश को ले रही हूँ, और उससे मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे लगा रही हूँ। इससे मेरा ब्लश बहुत ही देर तक टिका रहेगा। एंड अभी मैं दूसरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर को लेके अपनी आईलिड्स को प्राइम कर रही हूँ। अभी मैं कोल लगाऊंगी। अभी मेरे पास ना ब्लैक काजल नहीं था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, तो इसलिए मैं एक स्मोकी लाइक चारकोल ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में थोड़ा था एक काजल, इसको मैं अपने बॉर्डर लाइन में लगा रही हूँ, टाइट लाइन कर रही हूँ। इसी से मैं एक छोटा सा विंग लाइनर भी ड्रॉ करूँगी मेरे अपर आईलेट पे, और इसको अच्छे से दोनों आईज पे लगाने के बाद मैं एक ब्रश को लेके इसे स्मज करूँगी कुछ इस तरह। आपको प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है आईलाइनर एप्लीकेशन में, आप इसको लगा लेना। इसके बाद आप इसको अच्छे से स्मज कर लेना। इसको स्मच करने के बाद मैं एक ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ फ्रॉम मनीष मल्होत्रा पैलेट, और इसको अच्छे से पैक कर रही हूँ मेरे अपर आईलिड पे, और टाइनी सा लाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ मेरे पूरे आईलिड पे, एक आउटलाइन के जैसा बना रही हूँ। अभी एक ब्राउन कलर को लेके मैं अपनी क्रीज में इसको अच्छे से लगा के इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये भी मनीष मल्होत्रा आई शेडो पैलेट्स में ही एक शेड है, आप चाहो तो आप कॉन्टूर शेड भी यूज़ कर सकते हो टू ब्लेंड। इधर मैं इस लुक में बिल्कुल ही कॉन्टोरिंग नहीं किया है। अगर आपको कॉन्टोरिंग करना डिफ़िकल्ट लगता है, यू कैन डेफिनेटली डू दिस लुक। तो अभी मनीष मल्होत्रा पैलेट में एक ब्यूटीफुल सा ब्रॉन्ज आई शेडो, शिमरी आई शेडो है, उसको लेके मैं अपनी पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ इन्हें कट क्रीज मैनर। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी सेम ब्राउन आई शेडो जो मैंने क्रीज में लगाया था, उसको लेके आईलाइनर के एडजस्ट को थोड़ा बहुत मैं और ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं एक गोल्डन फॉयल आई शेडो को लेके राइट मेरे प्यूपिल के नीचे इसको लगा रही हूँ, लोअर लैश लाइन पे। अभी मैं अपने ब्राउज बना रही हूँ अभी इस लुक के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई वांटेड थिक ब्राउज, तो इसलिए मैं अपने ब्राउज को थोड़ा थिक बना रही हूँ। और इसके ऊपर मैं आईब्रो जेल लगाऊंगी। ये निक्स ब्राउ जेल है जिसको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था। अभी मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ और इसके ऊपर एक आई शेडो प्राइमर लगा रही हूँ। ये एल्फ का है। तो इसको ऐसे लगाने के बाद एक वाटरप्रूफ मस्कारा, ये एसेंस का मस्कारा है, इसको लेके मैं लगा लूँगी। इससे ना लैशेस बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेंगी अगर आपकी स्ट्रेट लैशेस हैं। और इसके बाद मैं फॉल्सेस भी लगाऊँगी। तो ये फॉल्सेस मैंने कलालिस ब्यूटी के लगाए हैं। अभी मैं अपने हाइलाइटर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ यूजिंग ये पाउडर हाइलाइटर। इससे मेरा हाइलाइटर बहुत देर तक टिका रहेगा। इसको अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स, नोज़ और क्यूपिड बो पे लगा लिया है। इधर मैं मायग्लैम की लिपस्टिक इन द शेड शोगर को लेके अपने पूरे लिप्स पे लगा रही हूँ। ये बहुत ही लाइट पिंक कलर लिपस्टिक है, तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैं कीरो की न्यूड मोका लिपस्टिक को लेके अपने लिप्स पे कुछ सेंटर्स पे ऐसे लगा के अपने फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होगी क्योंकि कीरो की लिपस्टिक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है। एंड हियर्स माय लुक। मैं अभी मेरे आउटफिट के मैचिंग डॉट्स बना रही हूँ अपने फेस पे। तो मैं इनर कॉर्नर में एक डॉट और आउटर कॉर्नर में एक डॉट लगा रही हूँ मेरे ड्रेस के मैचिंग। एंड मैंने ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स एंड नोज पिन को लगा लिया है। एंड माय हेयर स्टाइल वॉज रियली प्रिटी दिस डे। सो दिस इज़ माय लुक यू गाइस। आप जो भी कलर के ड्रेस पहनते हो उस कलर का मैचिंग ये मेकअप लुक करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विथ माई अदर वीडियो। Until then, take care. Bye.